जगह पूरे घटना के तीन एंगल्स निकल करके आ रहे हैं पहला एक तरह से कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल मर्डर है दूसरी तरफ कहा जा रहा है आईएसआई कनेक्शन है और तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो उनके विपक्षी थे या जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे वो अतीक अहमद को खत्म करना चाहते थे इसलिए हुआ है आप एज अ जर्नलिस्ट इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखेंगे ये मैं जानना चाहूल पॉलिटिकल मर्डर है जी पॉलिटिकल मर्डर इसलिए नहीं कि वो पॉलिटिक्स में था पॉलिटिकल मर्डर इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको पॉलिटिकल गेन निकलना है राजनीतिक फायदे के लिए ये हुआ है एक बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ है यदि आईएसआई का एंगल आप ढूंढ रही है इसमें तो हुँ. सरकार को यदि वाकई पता होता कि इसके आई एस आई के साथ वाकई संबंध है तो सरकार तो इसको बहुत प्रोटेक्ट करके चलती क्योंकि अतिक अहमद से तो बहुत कुछ चीजें उगली जाती थी हुँ, हुँ, हुँ. बहुत इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत थी कि और कौन आई एस के एजेंट है इस देश में वो किससे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें थी कि आई हमारे देश में कैसे ऑपरेट करता है लेकिन आईएसआई का एक किंग पिन यदि सरकार उसको आई का घोषित करती है उसकी हत्या ही होने देना यह बड़ा मुश्किल है कसाब जिसने बंबई पे हमला किया था और मुझे गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने अतिक ने लोग मारे होंगे उससे ज्यादा कसाब ने लोग मारे थे बिल्कुल सही इसके बाद कामड़े नाम के कांस्टेबल ने कसाब का पूरा कारबाइन अपने शरीर पे खाली करवा के उसको जिंदा पकड़ा मरने नहीं दिया और ये तथाकथित आईएसआई आई का एजेंट उसके लिए काम करने वाला अतीक कि हत्या होती है पुलिस अपने कवर से रिवॉल्वर नहीं निकालती एक गोली फायर नहीं करती दूसरी बात यदि पुलिस को यह एंगल लगता है कि उसके कॉम्पिटिटर उसके दुश्मन उसकी हत्या कर सकते हैं तो फिर पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया मीडिया के सामने ऐसा एक नेता के जैसा बात करने कैसा दिया आने वाले समय में तो जितने भी लोग हैं उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए उनको कि ये फला आदमी पेशी पे आ रहा है उसके बाद मीडिया से बात करेगा बारह बजकर बारह मिनट पर और सभी होटल होटल क्लार्क में सभी लोग वहां पे बैठेंगे उसके बाद चाय पानी नाश्ता होकर यही यही रह गया था बस अब जिस हिसाब से मीडिया इतना क्लोज हो गया था मैं भी ताजुब कर रहा था कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है किसी बड़े नेता की पेशी हो रही है क्या मतलब मैंने यहाँ टू जी के लोगों को पेश होते हुए देखा मैंने काजी मोरी से लेके मैंने राजा तक जो मंत्री रह चुके उनको पेश होते में मैं कई बार गया हूं तीस हजारी में तो दूर से देखना पड़ता था मीडिया उनके हाँ। पास आ नहीं सकता था जो लोग कैबिनेट में मंत्री है वर्तमान में वो उससे टू से फ्री होके फिर भी लोकसभा में चुनाव जीते हैं वो लोगों को भी मीडिया मिल नहीं पा रहा था जैसा लेकिन इस अतिक अहमद जैसे गुंडे को मीडिया का इतना एक्सपोजर देना ये भी उस एक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है मुझे पॉलिटिकल मर्डर इसलिए मैं कहता हूं इसलिए नहीं कि अतिक अहमद का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है फिर से मैं रेखांकित करना चाहता हूं अतिक अहमद के मरने से पॉलिटिकल गेन किसको होना था कौन ले सकता है इसको देखना होगा क्योंकि अतिक एक गुंडा था उसके मरने को अतिक के बाकी पॉलिटिकल चाहे चाहे हो समाजवादी पार्टी हो ये कैश नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी गुंडे की हत्या की कोई कैश नहीं करेगा समाज उसको नहीं करेगा लेकिन इसको हमने मरवाया और हिंदुओं से मरवाया ये बहुत सारी बातें आने वाले चुनाव में आपको और ये ट्वीट बता रहे हैं ये ट्वीट बता रहे कि इसको पॉलिटिकल गेम कैसा कर रहे जी यदि वो कहते हैं कि ये कृष्ण ने कहा है जो बोल रहे हैं हमारे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से ट्वीट कर रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी तो फिर हुँ. कलकत्ता में जो इसका हश्र हुआ बीजेपी का वो जैसी करनी वैसी भरनी है यदि वहां जाके बोल रहे हैं अमित शाह वहां हिंदुओं का कत्ल हो रहा है तो फिर ये ऊपर का ही न्याय है क्या आसमानी न्याय है

का जो इतना बड़ा जिनोसाइड हुआ दिल्ली में और गोधरा भी क्या आप आसमानी न्याय समझेंगे कतई नहीं नमस्कार अशोक सर अशोक सर नबस्कर. पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया के सामने अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और बीजेपी के मंत्री इसे आसमान से किया हुआ फैसला बताते हैं कुदरत का न्याय बताते हैं क्या आप भी इसे कुदरत का न्याय मानते हैं नहीं मुझे लगता है कि जो लोग इसे कुदरत का न्याय मानते हैं वो ये सोच के चल रहे हैं कि ये कुदरत का ही राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी एक नाम मात्र है हमारे यहाँ कुदरत का न्याय किसको कहते हैं हम और कुदरत का न्याय को जस्टिफाई करने वाले ये लोग कौन होते हैं मेरा आज भाजपा वालों से सवाल है कि जब भैरव सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति पद का उस समय समाजवादी पार्टी ने भैरव सिंह शेखावत का साथ नहीं दिया था वो अलग रहे थे ऐसे में पार्टी की वीप छोड़ने के बाद भी अतिक अहमद ने भैरव सिंह शेखावत के लिए वोट किया था आज जिस भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में राज्य है पार्लियामेंट में 300 से ज्यादा लोकसभा में सदस्य है क्या अगला सदस्य सदन जब शुरू होगा उस समय जो श्रद्धांजलि दी जाएगी तो क्या ये लोग वॉकआउट करेंगे या श्रद्धांजलि देंगे ये दोहरी नीति है आप इसको कुदरती न्याय कह के इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं प्रज्ञा मैं बार बार आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूं कि अतिक अहमद का मरना उसके भाई का मरना उसके बेटे का मरना ये ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये लोग अंडरवर्ल्ड के थे इनकी मौतें वैसे ही होती है सवाल है कि अतीक अहमद द्वारा एक एमएलए का खून करना राजूपाल का उसके बाद योगी जी धाकड़ मुख्यमंत्री होते हुए राजूपाल के साले की दिन दहाड़े हत्या होना अपने बेटे ने हत्या की इसके लिए उसका गर्व करना उसके बाद एस द्वारा तमाम लोगों को शूट करना और फिर आतिक की हत्या करना ये सारा यदि घटनाक्रम मैंने देखा तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ कानून व्यवस्था का प्रश्न दिखाई देता है आतिक अहमद जैसे गुंडे का जन्म एक कानून व्यवस्था का ही विफल था है। और आज तीन बच्चों ने जो लड़के हैं यंग युवा लड़के हैं दुख होता है मुझे और तीन अलग अलग जगह के देखिए कोई बांदा का है कोई कासगंज का है उसमें से जो अभी कुछ बात आई है तो कोई जो मौर्य है ये कालिया नाम से जाना जाता है जिसको वैसी का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखता है ये तीन लोग इकट्ठा से, से अंडरवर्ल्ड किलिंग जैसा है कि बिल्कुल जो वेपन्स दिखाई दिए थे कल वीडियो फुटेज में वो मुझे देसी कट्टे नहीं थे दूसरी बात अतिक अहमद द्वारा जब राजूपाल के साले की हत्या हुई उसके बाद पुलिस प्रशासन ये कैसा अंधेरे में रह गया कि आतिक अहमद के सारे दुश्मन खराब खत्म हो गए आतिक अहमद मीडिया से ऐसी बात कर रहा था मानो किसी देश का विदेश मंत्री या मंत्री हो इतना मीडिया को क्लोज आने का प्रॉक्सिमिटी कैसी दी गई उसको या ये प्री प्लैंड था सत्रह लोग सस्पेंड कर दिए मैं प्रज्ञा आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं आप ही को बोल सकता हूँ क्योंकि आजकल ऐसे सजेशन देना भी मे काम माना जाएगा पत्रकारिता में पिछले दस सालों में जितने पुलिस अधिकारियों के सस्पेंशन हुए हैं उसकी परिणति क्या हुई है इसकी यदि लिस्ट निकाल के आप देखेंगे तो वो सस्पेंशन पांच या छह महीने रह के फिर वो अच्छे पोस्टिंग पे क्रीम पोस्टिंग पे चले जाते हैं इसका मतलब जो सत्रह लोगों का सस्पेंशन हुआ वो आई वॉश हुआ क्या प्री प्लैंड प्लॉट दिखता है और मेरे हिसाब से मैं जितना समझ पा रहा हूं खासकर पिछले कुछ सालों से जिस हिसाब से चल रही है राजनीति देश की मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से भी ज्यादा डैमेजिंग सत्यपाल मलिक का वो वक्तव्य था कि 40 सीआईएसएफ के जवानों की शहादत यह हमारी गलती थी केंद्र सरकार की गलती हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आम आदमी को हो सकता है समझने में तक टाइम लगेगा बस कुछ तो भी काला पैसा है काला पैसा है और अब इस देश में काला पैसा सभी जानते हैं कि सभी के पास होता है क्या तो विपक्ष का और क्या पक्ष अशोक लेकिन जब भाजपा एक सेकंड जब भाजपा बार बार अपने राजनीति में राष्ट्रवाद और सैन्यवाद का तड़का लगाती है तो ये देश इमोशनल होके एक तरफा वोटिंग करता है उस राष्ट्रवाद के तड़के में यदि कुछ काला दिखाई दिया तो यह भाजपा के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस था इसके लिए संयोग देखिए जब यह हत्या वहां हो रही थी शायद दस बजे के आसपास हत्या हुई और मैं एक पोर्टल पे काम कार्य कार्यक्रम था मेरा नौ से दस उसी बीच में मैंने कहा था जब वो कार्यक्रम का नाम ही था कि सत्यपाल के रिपोर्ट से मतलब इंटरव्यू से, से हिल गई सरकार मैंने बोला देश हिला है सरकार नहीं हिली सरकार इसको निगलेक्ट करने का प्रयास कर रही है और देखिएगा ऐसा कोई बड़ा चीज होगी कि सारा फोकस उस पर किया जाएगा और सत्यपाल मलिक का ये सारा वक्तव्य पीछे चल जाएगा और वही हुआ वो प्रोग्राम बजे खत्म हुआ क्योंकि अभी सरकार की चीजों को हम जानना जानते हैं अतिक बार बार कह रहा था कि मेरी हत्या होगी ये दायित्व इस सरकार का था यह लॉ एंड ऑर्डर का फेल्यूर है मात्र पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करके चलने से काम नहीं होगा मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मीडिया उससे बात कर रही थी अशोक सर मैं इसी पर आ रही एक हाँ, इतना बड़ा अपराधी जिसे उत्तर प्रदेश की जनता कानून पुलिस इतना बड़ा अपराधी मान चुकी थी उसके बाद उसे खुलेआम इस तरह से चलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या अधिकार था वो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था चलते हुए मीडिया से बात कर रहा था जैसे लग रहा था कि वो कल ही आई एस पीसीएस की परीक्षा दे करके आया हो दूसरी बात है आप भी लखनऊ में पत्रकारिता करते हैं हमने भी रूरल रिपोर्टिंग से लेके सारी रिपोर्टिंग से लेके ही हम इस पद अभी यहां बैठे हैं हैं जिस जगह पे आप जाती है प्रज्ञा तो मुझे लगता है कि लखनऊ के कोई पुलिस स्टेशन वाले लोग होंगे कॉमन जो हवलदार से लेकर सिपाही तक वो जानते हैं कि प्रज्ञा क्या है खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो दो पत्रकार बन के आए वो राजीव गांधी की तमिलनाडु की पिरुरपुरम की वो हत्या नहीं थी कि जहां देश के पत्रकार आए लोकल लोगों को पता ही नहीं कौन पत्रकार है और कौन नहीं प्रयागराज में जो पत्रकार थे जो प्रयागराज की पुलिस थी वो तो सबको शक्लों से जानते थे कि कौन आज तक का है कौन एबीपी का है कौन न्यूज ट्वेंटी फोर का है सब एक शक्ल जानते हैं वो लोग ऐसे में ये दो लोग पत्रकार बन के गए ये भी बड़ी ताजुब की बात है hmm. ये तीन अलग अलग जगह के लोग है ये एक कब हो गए इनका कोई दो का तो इतिहास भी नहीं समझ में आया अभी एक का तो थोड़ा है ये कई चीजें हैं ये कई चीजें इस तरफ रेखांकित करता है कि ये बड़ा गेम प्लान था इसका मास्टरमाइंड कौन था क्या इसको हिंदू मुसलमान की शक्ल देने का प्रयास हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ दोनों तरफ लोग बहुत ज्यादा हैं ओएसी एक तरफ नहीं है इधर भी ओएसी है अशोक सर इसको सवाल सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि इतना बड़ा अपराधी जो कि पुलिस कस्टडी में था उसी बीच तीन लोग आते हैं जिसमें से एक पिस्टल सीधे अतीक अहमद की कनपट्टी पर आती है और गोलियां चल जाती हैं बैक टू बैक 18 राउंड की फायरिंग होती है पुलिस वालों की तरफ से एक राउंड फायरिंग भी नहीं होती है वही वही मैं कह, मैं कह रहा था हुँ. कि जब राजू पाल के साले की हत्या हुई जब उस पे फायरिंग हुई तो जो उसके साथ सिक्योरिटी वाले थे वो दौड़े क्योंकि वो प्लान माफ कीजिएगा मुझे मैं आरोप लगाने की मुझे जगह है इसलिए मैं बोल रहा हूं जी। मैं मैं शंका जाहिर कर रहा हूं क्योंकि तब पुलिस वाले उस प्लान का हिस्सा नहीं थे राजूपाल के साले की हत्या का इसलिए बिचारे वो प्लान अतिक अहमद का होगा इसलिए वो उसको बचाने के चक्कर में आए और उसमें पुलिस वाले मारे भी गए शहीद हुए ये पुलिस वाले कौन से थे कि जिन्होंने अपना रिवॉल्वर तक नहीं निकाला जो इसके साथ सिक्योरिटी थी जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन होंगे साथ में वो लोग क्या कर रहे थे कहते कि तुरंत उन्होंने सरेंडर कर दिया ये तो मुझे महात्मा गांधी की गोड़ से द्वारा हत्या जो की गई उसकी याद आती है उन्होंने महात्मा गांधी को पॉइंट ब्लैंक मारा और फिर रिवॉल्वर लेके खड़े हो गए कि कोई मुझे अरेस्ट करो और उसको अरेस्ट किया गया तीनों ने अपने हथियार फेंक दिए वो, हत्यार, वो भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे तो क्या आने, वाले समय में, है जब वो क्या आने वाले समय में लोकसभा में वो बीजेपी के उम्मीदवार बनने जा रहे जब जमानत पे होंगे क्योंकि ऐसे कई बार हमने देखे बिल्किस बालू के बलात्कारियों को सजा होने के बाद मैं सजा होने की बात कर रहा हूं प्रज्ञा जी न्यायपालिका ने उन्हें बलात्कार और हत्या का दोषी मानने के बाद सजा दी वो सजा सरकार माफ करती है और जब बाहर आते हैं तो उनका महिमा मंडन किया जाता है उनका स्वागत किया जाता है किसी मंत्री पे जूते मारने वाले को टिकट दिया जाता है आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था दिल्ली में तो क्या हम ये कानून हाथ में लेने वालों को यदि ऐसा महिमा मंडित करेंगे आज मैं किसी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है उनकी एक बात सुन रहा था और हिल गया वो बात सुन के उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हत्या अंडरवर्ल्ड के लोगों की इन डॉन की और माफियाओं की होती रहेगी लेकिन एक बात इस सदी में सोचने का विषय है कि अतिक अहमद अपने बेटे को क्रिमिनल बनाता है उसकी मां कहती है कि इसको उसमें मर ढकेलो, लेकिन वो कहता है नहीं शेर का बच्चा है मार के आएगा अपने बच्चों को हत्या करता है और एक तीन युवा अतिक अहमद की हत्या करके बड़े बनना चाहते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह हो गई है कि अब युवाओं वहां पे कानून हाथ में लेने को एक करियर समझने लगी है महिमा मंडन करने लगी है उनको लगता है कि इंजीनियर हो के क्या मिलेगा इससे अच्छा किसी डॉन की हत्या करके बड़ा नाम बन जाओ और राज्य करो तो उत्तर प्रदेश में राज्य किसका है योगी आदित्यनाथ का है भारतीय जनता पार्टी का है कानून का है या अतिक जैसे और अतिक के हत्यारों जैसे लोगों का है ये सवाल है यहाँ का युवा हत्या करने के लिए आगे आता कैसा है प्रश्न ये अशोक सर जब कोई मंत्री पद संभालता है कोई मंत्री तो ये कसम खाता है कि मैं तो संविधान के हिसाब से काम करूंगा ना कि पाप पुण्य के हिसाब से स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के मंत्री हैं वो कहते हैं कि पाप पुण्य का हिसाब हुआ सभी ने कहा कैलाश विजयवर्गी ने कहा किसी उन्होंने श्री कृष्ण को कोट किया बीजेपी में दूसरे नंबर के मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो भी कहते हैं कि कुदरत का न्याय है आसमानी न्याय तो, है मैंने मैंने वही तो कहा हुँ. जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार कानून व्यवस्था रखने के लिए विफल हो जाती है हुँ. तो फिर ये कुदरत का न्याय ऊपर वाले का न्याय ये तमाम बातें हाँ ये मैं पढ़ रहा हूं लगातार फिर मैं रेखा गीत कहता हूं कि आज का ये जो शो है ये कोई आतिक की हत्या हुई इसका मातम मनाने के लिए नहीं आतिक का मरना ये इशू नहीं है उसकी हत्या होना ये इशू है जिसको कानूनन फांसी होनी चाहिए थी या तो फांसी होती ही दर्जनों केस थे, केस थे। कैट काट रहा था। इसके के बाद इस तरह के बयान आना और कई सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें देखने को मिल रहा है लोग जश्न मना रहे इसको एक एंगल और भी है इसको कानून व्यवस्था की बात हम करते हैं लेकिन न्यायपालिका को भी एक बार फिर से अपने गरिबा में झांकना होगा जी क्या न्यायपालिका के मुंह पे ये तमाचा है यदि वो कहते हैं ये कुदरती कानून है कुदरती न्याय है यदि ये, ये कहते हैं कि ये होना ही था और यदि इस हत्या को जायज ठहरना ठहराने वाले इन मंत्रियों को कानून ने नोटिस देनी चाहिए न्यायपालिका ने अवमानना न की यदि इस देश में यही ऊपर की रासमानी न्यायपालिका चलेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए क्या ये हिंदू मुसलमान करने का प्रयास था बहुत देखिए आप जी इसको यदि एक प्लॉट के तहत देखेंगे तो एक ब्राह्मण एक मौर्य अलग अलग जगह से आने वाले लोग बहुत जय श्री राम के नारे, नारे, के नारे सरेंडर कर देते हैं हत्या सरेंडर करना तो सर आप इसको राम, ने तो, राम ने तो राम ने तो रावण की राम का नाम लेने का तो इनको अधिकार ही नहीं जी राम ने तो सीता का अपहरण करने वाले रावण को भी एक बार बातचीत के दरवाजे खोले थे और अपने दूत को भेजा था उसके दरबार में अंगत को कि तू एक बार जाके यदि वो सीता को वापस करता है तो युद्ध टल सकता है और फिर वह अंगत की ऐतिहासिक सर आपको आपको क्या लगता है कि जय श्री राम के नारे इस तरह के नारे लग, लगाने के पीछे क्या कारण हो सकता है क्या मंशा हो सकती है इसके मैंने यही कहा कि ये मुझे ये मुझे यू ही हत्या नहीं लगती ये बहुत बड़ा गेम प्लान है इसके पीछे हिंदू मुसलमान बीस अस्सी तो मुख्यमंत्री पहले ही चुके हैं इसके पहले हिंदू मुसलमान करने का प्रयास होगा ये तुम्हारे पास एक बार बाल ठाकरे ने भी बोल दिया था मुंबई में तुम्हारे पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गौड़ी है मतलब अब अंडरवर्ल्ड में भी हिंदू मुसलमान की बात होने लगी हालांकि उसके बाद तुरंत दाऊद के तरफ से ये क्लियरिफिकेशन भी आया था कि इसमें हिंदू मुसलमान करने का प्रयास न करे बाड़ा साहब मेरे इसमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग हैं गैंग में तब छोटा राजन वगैरह उनके साथ ही थे प्रश्न यह है कि हमारे नेता हमेशा जगह धूलते हैं अतिक अहमद पे आज बात करने के लिए सुबह दस बजे आप और हम हैं एक गुंडे की हत्या तीन गुंडों ने की कुछ लोग जिनको न्यायपालिका में और संविधान में बाबा साहेब आंबेडकर के विश्वास नहीं है वो इसको कुदरती न्याय कहते हैं जी तो अब क्या हम ये माने कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था वो षड्यंत्र चालीस जवानों की शहादत को उस चालीस जवानों की शहादत का जो इशू आया है जिसमें राज्यपाल कहते कि ये हमारी सरकार की गलती है उन चालीस लोगों का मरना उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए आप ये कर रहे हो एक गुंडे की हत्या चालीस जवानों की शहादत पे भारी पड़ गई हमारा पूरा टेलीविजन चैनल की दुनिया रात भर चौबीस घंटा लगातार अतिक अहमद निकला जेल से तब से लेके यहां तक की और यहां से लेके वहां तक की लेकिन किसी ने उस सत्यपाल मलिक की बातचीत का रेफरेंस तक नहीं दिया टिकर तक नहीं चलाया कहीं रेफरेंस भी नहीं है और अतिक अहमद कोई अरे गहरे खैरे नहीं है वो राज्यपाल थे जब वो हादसा हुआ वो एक जगह पे बैठे थे सबसे बड़े पोस्ट पे थे जम्मू कश्मीर में उनके कथन को कुछ तो जो सत्यता होगी कुछ तो वजन होगा एक आदमी जो पार्टी छोड़ता है छोड़ने के बाद अपनी किताब लिखता है और किताब में यू ही आरोप लगाता है कि राहुल गांधी अवंचित उद्योगपतियों को मिले अरे दम होता तो अवंचित उद्योगपतियों के नाम लिखता और उसके बाद इस देश का सबसे तेज चैनल और तिहाड़ की यात्रा करने वाले महामहिम पत्रकार उनका इंटरव्यू करके पूरे देश को नई बात बताते हैं कि राहुल गांधी अवंचित उद्योगपतियों को मिलते हैं और फिर हमारे मार्गदर्शन मंडल में के बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हुए रवि प्रसाद रवि प्रसाद जो लॉ मंत्री थे पुराने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल को कहते हैं कि आप बताइए लेकिन राज्यपाल जम्मू कश्मीर के तत्कालीन जब ये हादसा हुआ वो जब ये आरोप लगाते हैं तब रविशंकर प्रसाद क्यों नहीं पूछते अपने ही प्रधानमंत्री को कि आप या गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कि बताइए क्या हो रहा है क्यों नहीं वो सबसे तेज चैनल एकदम लंगड़ाता हुआ क्यों दिखाई देता है और वो तिहाड़ी पत्रकार चुप क्यों रहता है ये दलाल है लेकिन सोशल मीडिया की बधाई हो सोशल मीडिया को पोर्टल्स को तुम्हारे जैसे पोर्टल्स को जिन लोगों ने सत्यपाल मलिक के उस इंटरव्यू को उठाया और जब ये पूरे देश में आग जैसा फैलने लगा तो ये का कांड हुआ ये लग रहा देश, था में, कोई बड़ा देश में दो बड़ी दो बड़ी हैपनिंग्स हो रही थी एक सतपाल मलिक जो कि केंद्र से जुड़ी एक बहुत बड़ा खुलासा बहुत बड़ी खबर चल रही थी और दूसरा उत्तर प्रदेश में घटित हुई ये घटना इसके बाद इसी मसले पर असुद्दीन उवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं शुरू से कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार कानून के मुताबिक नहीं बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है हम लोग इसी बात को दोहरा रहे थे लेकिन सबको लगता था कि हम हवाई बातें करते रहे हैं इससे लोगों में संविधान में विश्वास कम होगा तो संविधान में विश्वास कम होगा बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या पर चर्चा नहीं करनी चाहिए डरते हैं लोग इस पर बात करने से लेकिन वो तो माफिया है गुनहगार गुनहगार था फांसी हो जाती कोई ना कोई सजा कानून जरूर देता लेकिन संविधान के तहत कानून के तहत कानून पुलिस की कस्टडी के बीच में किसी अपराधी जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की होती है क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है और उसकी हत्या हो जाती है तो क्या संविधान के राज में ये सवाल उठाना क्या गलत है अशोक सर बिल्कुल गलत नहीं और गुंडों के बारे में बात करना क्या गलत बात है हम्म गुंडों का साम्राज्य ही डर इस बात पे चलता है और प्राज्ञा मैंने बॉम्बे के कई अंडरवर्ल्ड के लोगों को देखा है हम पत्रकार हैं मेरी व्यक्तिगत बात कई ऐसे लोगों से हुई है जिन लोगों के नाम से पूरे देश में टेरर है जी मैंने उनसे ज्यादा डरपोक लोग नहीं देखे वो बात करते समय टेबल का चम्मच भी नीचे गिर गया तो उठ के खड़े हो जाते हैं उनको लगता है पता नहीं कहां से हमला हो रहा है जो सबसे लोग डरते हैं डरपोक लोग ही भय दिखा दिखा के अपना साम्राज्य बनाने का प्रयास करते हैं नीडर तो महात्मा गांधी थे कई हमले होने के बाद भी उन्होंने कहा कोई प्रयोग नहीं पड़ता ठीक है मैं तो वैसे ही रहूंगा उन पहले पहले हमले की पहले हमले की की बात जब हुई थी सरदार पटेल जी ने उनको कहा था कि आपकी सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं लोगों से अलग नहीं हो सकता वो निडर थे देखिए प्रज्ञा जी मौत तो हरेक को आनी है कोई हम अमर पट्टा लेके तो नहीं आए जी लेकिन मरमर के जीना किसी की तलवे चाट के जीना इस समाज में है तो समाज में तो जानवर भी कुत्ते भी रहते हैं कुत्ता भी कहीं ना कहीं वफादारी दिखाता है हम यदि में है तो हमें वफादारी दिखानी होगी डर इस बात किस बात किस का? आर्थिक गुंडा है तो उसको गुंडा कहने में डर किस बात का सर सरकार एक तरफ सरकार हाँ। एक तरफ कहती है गुंडे माफिया सब उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और दूसरी तरफ लाइव टीवी पर गोलियां बरस रही हैं और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं बीजेपी से जुड़े मंत्री कहते हैं कि ये हिसाब किताब है पाप पुण्य का कुदरत का न्याय नहीं है। मैं मेरा ये कहना क्या मतलब है कि जब राजू पाल के साले की हत्या हो गई तो इनको साफ सुन गया था क्या हम्म तब उस हत्या को ये क्या मान रहे थे अपनी था? ये एक नरेशन बनाने का प्रयास है क्योंकि आर्थिक अहमद एक विशिष्ट समाज से आता है धर्म से आता है जे. तो न्यायिक हो गया तो फिर हर हत्या जो है वो क्या कुदरत का कानून है ऐसी कई हत्या बीजेपी के नेताओं की हथियारों को आसमान से उतरे हुए फरिश्ते बता दिया जाएगा बस <laughs> तो इनमें उन मौलाओं में क्या फर्क है कि जो मौलाए है कहते हैं आतंकी बनाने के लिए कि हूर की परिया मिलेगी आप जाएंगे तो ऊपर इनमें और उनमें क्या फर्क पड़ेगा मुझे याद है कि एक जोशी अभ्यंकर हत्याकांड हुआ था पुना में जी। तब मैं सातवीं आठवीं में पढ़ रहा था सैनिक स्कूल सतारा में प्रज्ञा पूना में यह खौफ था कि चार बजे बाद लोग घर से निकलना बंद हो गए थे शाम को क्योंकि कोई ऐसा घर में घुस जाता था और पूरे परिवार को पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देते थे एक परिवार जोशी और दूसरा अभ्यंकर पूरा का पूरा परिवार बच्चे नौकर कोई किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे तो जोशी अभ्यंकर हत्याकांड के नाम से वो फेमस था कुछ दिनों के बाद वो हत्यारे पकड़े गए वो कॉलेज के युवा थे उनको फांसी की सजा हुई उनमें से एक जो था उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था जब उसको पूछा गया कि आपको फांसी की सजा हुई है उसने कहा कि मैं गीता पढ़ता हूं जो मेरे हाथ से मरा उसकी मौत तय थी मैं निमित्त था मेरी मौत भी तय है जज साहब निमित्त है यदि कृष्ण की गीता को आप उल्टा समझोगे तो यही होगा अशोक सर आखिरी सवाल आपसे है अशोक सर आखिरी सवाल है इस पूरे घटना के तीन एंगल्स निकल करके आ रहे हैं पहला एक तरह से कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल मर्डर है दूसरी तरफ कहा जा रहा है आईएसआई कनेक्शन है और तीसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो उनके विपक्षी थे या जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे वो अति कहमत को खत्म करना चाहते थे इसलिए हुआ है आप एज अ जर्नलिस्ट इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को आप किस तरह से देखेंगे ये मैं जानना चाह रही हूँ पॉलिटिकल मर्डर है जी पॉलिटिकल मर्डर इसलिए नहीं कि वो पॉलिटिक्स में था पॉलिटिकल मर्डर इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको में से पॉलिटिकल गेन निकलना है राजनीतिक फायदे के लिए ये हुआ है एक बड़े षड्यंत्र के तहत हुआ है यदि आई एस आई का एंगल आप ढूंढ रही है इसमें तो सरकार को यदि वाकई पता होता कि इसके आई एस आई के साथ वाकई संबंध है तो सरकार तो इसको बहुत प्रोटेक्ट करके चलती क्योंकि अति कहमत से तो बहुत कुछ चीजें उगली जाती थी हुँ, हुँ, हुँ. बहुत इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत थी कि और कौन आई एस के एजेंट है इस देश में वो किससे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें थी कि आई हमारे देश में कैसे ऑपरेट करता है लेकिन आई का एक किंग पिन यदि ये... सरकार उसको आई का घोषित करती है उसकी हत्या यू ही होने देना यह बड़ा मुश्किल है कसाब जिसने बंबई पे हमला किया था और मुझे गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने अथिक ने लोग मारे होंगे उससे ज्यादा कसाब ने लोग मारे थे सही इसके बाद काम नाम के कांस्टेबल ने कसाब का पूरा कारबाइन अपने शरीर पे खाली करवा के उसको जिंदा पकड़ा मरने नहीं दिया और ये तथाकथित आईएसआई आई एस आई का एजेंट उसके लिए काम करने वाला अतीक की हत्या होती है पुलिस अपने कवर से रिवॉल्वर नहीं निकालती एक गोली फायर नहीं करती दूसरी बात यदि पुलिस को यह एंगल लगता है कि उसके कॉम्पिटिटर उसके दुश्मन है उसकी हत्या कर सकते हैं तो फिर पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया मीडिया के सामने ऐसा एक नेता के जैसा बात करने कैसा दिया आने वाले समय में तो जितने भी लोग हैं उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए उनको कि ये फला आदमी पेशी पे आ रहा है उसके बाद मीडिया से बात करेगा बारह बजकर बारह मिनट पर और सभी होटल होटल क्लार्क में सभी लोग वहां पे बैठेंगे उसके बाद चाय पानी नाश्ता होकर यही यही रह गया था बस अब जिस हिसाब से मीडिया इतना क्लोज हो गया था मैं भी ताजुब कर रहा था कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है किसी बड़े नेता की पेशी हो रही है क्या मतलब मैंने यहाँ टू जी स्कैम्प के लोगों को पेश होते हुए देखा मैंने काजी मोरी से लेके मैंने राजा तक जो मंत्री रह चुके उनको पेश होते सजारी में मैं कई बार गया हूं तीस हजारी में तो दूर से देखना पड़ता और... था मीडिया उनके हाँ। पास आ नहीं सकता था जो लोग कैबिनेट में मंत्री है वर्तमान में वो उससे टू से फ्री होके फिर भी लोकसभा में चुनाव जीते हैं वो लोगों को भी मीडिया मिल नहीं पा रहा था जैसा लेकिन इस अतिक अहमद जैसे गुंडे को मीडिया का इतना एक्सपोजर देना ये भी उस एक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है मुझे पॉलिटिकल मर्डर इसलिए मैं कहता हूं इसलिए नहीं कि अतिक अहमद का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है फिर से मैं रेखांकित करना चाहता हूं अतिक अहमद के मरने से पॉलिटिकल गेन किसको होना था कौन ले सकता है इसको देखना होगा क्योंकि अतिक एक गुंडा था उसके मरने को अतिक के बाकी सिंपरदाइजर पॉलिटिकल चाहे ओ हो चाहे समाजवादी पार्टी हो ये कैश नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी गुंडे की हत्या की कोई कैश नहीं करेगा समाज उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा लेकिन इसको हमने मरवाया और हिंदुओं से मरवाया ये बहुत सारी बातें आने वाले चुनाव में आपको और ये ट्वीट बता रहे हैं ये ट्वीट बता रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल गेम कैसा कर रहे हैं जी यदि वो कहते हैं कि ये कृष्ण ने कहा है जो बोल रहे हैं हमारे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से ट्वीट कर रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी तो फिर कलकत्ता में जो हस््र हुआ बीजेपी का वो जैसी करनी वैसी भरनी है यदि वहां जाके बोल रहे हैं अमित शाह वहां हिंदुओं का कत्ल हो रहा है तो फिर ये ऊपर का ही न्याय है क्या आसमानी न्याय है उत्तर प्रदेश के भूमि पे होते हैं। नहीं, ये करना एक बात है, सर। मतलब में ही भगवान है। राम और श्री कृष्ण का जन्म हो गया तो बाकी सारे है। भगवान है नहीं वहां जो हत्याएं हो रही है वो कुदरती न्याय नहीं है यदि हर हत्या कुदरती न्याय है तो फिर हिंदुओं की हत्या भी कुदरती न्याय है फिर सिखों का वो हत्या का जो इतना बड़ा जिनोसाइट हुआ दिल्ली में और गोधरा भी क्या तो आप आसमानी न्याय समझेंगे नहीं हत्या करने के बाद इसको आप भगवान और के नाम के पीछे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं शर्मसार है इन लोगों को संविधान की शपथ लेने का अधिकार भी नहीं ये मजाक उड़ाते हैं संविधान की शपथ लेने के लिए वैसे ही जैसे ये राम के नाम लेके मजाक उड़ाते हैं राम की क्योंकि सिर्फ नाम राम का लेते हैं मंदिर बनाते हैं लेकिन राम का जो भावार्थ है राम को जो जीना चाहिए जिंदगी में वो जीते नहीं गीता की पूजा जरूर करते हैं लेकिन गीता समझे नहीं और यदि गीता समझे हैं तो उसी अभ्यंकर हत्याकांड के जैसे ये साइकिक है जी। ये समाज के लिए घातक है बिल्कुल ठीक बात फिर मैं कह रहा हूँ आज का एपिसोड अतिक के हत्या के लिए नहीं था अतिक का मरना तय था या तो फांसी पर मरता लेकिन ये जो हत्या जिस प्रकार हुई प्रश्न उस पर उठने चाहिए ये देश की कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे न्यायपालिका पे चोट है न्यायपालिका पर सवाल खड़े करता है बिल्कुल ठीक बात है अशोक सर आपसे बात कर बहुत खुशी हुई अशोक सर और हमारे दर्शकों को भी उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो काफी देर से लोग कमेंट्स पर और मेल्स में तमाम सवाल कर रहे थे जो सवाल मैंने आपसे पूछे बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर और हमारा दर्शक अभी अभी जो है जल्दी से करो सब्सक्राइब जल्दी से करो सब्सक्राइब